भारत के सात अजूबे, स्वर्ण मंदिर पंजाब। सिख समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले स्वर्ण मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रख्यात है। सिख समुदाय का तीर्थ स्थल होने के साथ ही यह सिखों का सबसे पुराना गुरुद्वारा भी है। स्वर्ण मंदिर को भगवान के घर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर के चूहों और सरोवर हैं जो स्वर्ण मंदिर की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। कोणार्क, उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पंगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को सात घोड़ों द्वारा आकाश में ले जाते हुए बताया गया है। मंदिर के प्रारंभ में ही सिंह ने हाथियों को पकड़े रखा दिखाया गया है। नालंदा, बिहार। 427 ईस्वी से सन 1197 ईस्वी के दरमियान नालंदा एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। कहा जाता है कि यह इतिहास का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। अपने समय में इस विश्वविद्यालय में करीब 2000 शिक्षक 10,000 छात्रों को अध्ययन कराते थे। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। खजुराहो, खजुराहो मंदिर में भारत की सबसे आकर्षक वस्तुकला और मूर्तिकला का मिश्रण का प्रतीक है। खजुराहो को भारत की बेजोड़ कलाकारी का नमूना माना जाता है। मंदिर में लगे गुलाबी या हल्के पीले रंग के विभिन्न बलुआ पत्थर कई संप्रदाय से संबंध रखता है। हम्पी, हम्पी में आपको भारत की लगभग हर वस्तुकला का अंश देखने को मिलेगा। यहाँ पर हर निगरानी के बुर्जों, अस्तबलों, बाजारों, मंदिरों, महलों, पत्थर की विभिन्न मूर्तियों का संग्रह देखा जा सकता है। ताजमहल, उत्तर प्रदेश। प्यार की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने मुमताज महल की प्यार की यादों में बनवाया था। ताजमहल को वास्तुकला का बेजोड़ अद्वितीय नमूना माना जाता है। ताजमहल के निर्माण का प्रमुख हकदार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। ताजमहल का निर्माण श्रीलंका अफगानिस्तान से कुछ पत्थर मंगवाए थे। ताजमहल का निर्माण 17 वर्ष में पूरा हुआ था। श्रवण बेल गोला या गोमेश्वर, कर्नाटक। 983 ईस्वी में एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई गोमेश्वर की मूर्ति को बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। श्रवण गोला या गोमेश्वर मूर्ति तक पहुंचाने के लिए 618 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है। धार्मिक रूप से इस मूर्ति का काफी महत्व माना जाता है। जैन संप्रदाय के अनुसार संसार में सर्वप्रथम मोक्ष की प्राप्ति बाहुबली को हुई थी। इस मूर्ति की लंबाई 60 फुट है। सिर्फ यही एक मूर्ति है ऐसी जो नग्न अवस्था में है। 12 वर्षों से हजारों लाखों श्रद्धालु मूर्ति का महाभिषेक भी करते हैं।